जिन्हें आपने कहा था 2 सीट, अब तो 1 सीट पर बात आ गई, ये मंत्रिमंडल में सिर्फ 1 ही सीट आप लोगों को मिलना है। हाँ सुना है हमने, अखबार में भी पढ़ा है। तो वैसे जो हमारे आधिकारिक अध्यक्ष जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, इसका जवाब तो वही देंगे प्रॉपर, तो वही उन्हीं की आइडेंटिटी है जिसमें जवाब दे सकते हैं। हमने उस दिन भी आपसे एक बात कही थी कि हमारी पार्टी में मसला एक और दो का नहीं है, साझी सरकार है, कायदे से चले, अच्छे से चले। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा हम लोगों ने खोला है, उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी। खाली मदन मोहन जी आते हैं। आपने सुना होगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी चर्चा हो रही है, दो बात थी और एक ही मिला है? ना कोई बात थी ना मिला है। ठीक है, हर एक आदमी की इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मंत्री हो, जो मुखिया होते हैं, जो आला कमांड होते हैं, उस संदर्भ में अपनी बातचीत करते हैं किन्हीं से, और कौन अभी मिला कहाँ। अभी तो बातचीत हो रही है, जब आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, हमारे प्रभारी सब मिल के तय कर लेंगे। इसमें आप लोग कहे इतना परेशान हो रहे हैं। देखिए, सीट कोई मायने नहीं रखता है, महागठबंधन को मजबूती से चलाना है, और जो जन विरोधी सरकार है उसको 24 में यहाँ से बाहर भगाना है। इसलिए एक आध मंत्रिमंडल हो या नहीं हो, ये कोई माने नहीं रखता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 सीटें मिलेगी, मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, लेकिन अब तो 1 सीट की बात आ गई, यानी फिर से आप लोग मतलब आपका जगह बता दिया गया जो महागठबंधन में, क्या आपकी जगह है? इसे इस रूप में कांग्रेस पार्टी नहीं लेती है, गठबंधन की सरकार है, सभी दल अपने पार्टी के लिए नुमाइंदगी की मांग करते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री से अपनी बातों को रखा था और मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया था, और हमको भरोसा है कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो क्रियान्वयन होकर रहेगा। आश्वासन तो दो का था, बट एक आ गया। नहीं नहीं, संख्या कोई हमारे लिए महत्व नहीं, मंत्रिपरिषद में सदस्यता लेना हमारे लिए महत्व नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, दूसरे उद्देश्य को लेकर सरकार में है, उस उद्देश्य को कायम कर आगे बढ़ना है, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखना है।